आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सीमेंट के बोनसाई पॉट, वो भी बिल्कुल घरेलू सामान से, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के। तो इसके लिए हमने दो ये प्लास्टिक के बोनसाई पॉट मेरे पास रखे थे, तो इन्हीं की मदद से आज हम ये सीमेंट के बोनसाई पॉट बनाने वाले हैं। तो इन दोनों पॉट में एक छोटा, ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक का बोनसाई पॉट है, और एक बड़ा। तो ये छोटा पॉट बड़े पॉट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह, इस अरेंजमेंट के से हम ये पॉट आज बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये पॉट में ऑयल लगा लेंगे। कोई भी ऑयल अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। मैं इंजन ऑयल इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बड़े पॉट के अंदर की तरफ हमें ऑयल लगाना है, और जो छोटा हमारा बोनसाई पॉट है उसकी बाहर की साइड हमें ऑयल लगाएंगे। तो अच्छे से पूरे पॉट पर हम ये ऑयल लगा लेते हैं, और इसके बाद अपने काम में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब सीमेंट का मिक्सचर हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने सीमेंट से दो गुना रेत हमने लिया है, और इतनी ही बजरी हमने यहाँ पर ली है। तो अगर आपके पास बजरी नहीं है, या आप बजरी कम भी इसमें मिला सकते हैं, और अगर आपके पास बजरी नहीं है तो बजरी को आप ना भी मिलाएं तब भी आप बना सकते हैं। तो बिना बजरी के भी एक पॉट हम बनाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर, यानी जितना सीमेंट हमें लेना है, अगर हमने 1 kg सीमेंट लिया है तो उसमें 2 kg रेत शामिल करेंगे, और दुगनी क्वांटिटी में ही हम ये जो स्टोन्स होते हैं बजरी, उसको शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा पॉट बनाने की तरफ। तो चूंकि मैंने बताया था कि हम दूसरा पॉट बिना बजरी के बनाएंगे, बिना स्टोन्स के बनाएंगे, तो इसमें हम रेत को सीमेंट से दुगना शामिल करेंगे, और सेम जो मेथड था बिल्कुल उसी की तरह से इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर इस तरह की नई नई इंफॉर्मेशंस और अलग अलग तरह की प्लांट्स के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी।